नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो पे नए टॉपिक के साथ। दोस्तों आज के शेयर मार्केट पे हम लोग इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन LTD को इंक्लूड किया है। इसका शेयर प्राइस यानी टुडे पे कितना ज़्यादा इंक्रीज पॉइंट और कितना ज़्यादा डीग्रोथ पॉइंट हम लोग को देखने को मिला है, इसके बारे में हम लोग डिटेल में बताएंगे। उसी के साथ हम लोग बताएंगे कि ये कितना ज़्यादा तेज़ी देखने को मिला है 1 मंथ पे और कितना ज़्यादा हम लोग को गिरावट देखने को मिली है, ठीक है। ये सारा चीज़ें भी हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। बट मैं बता दूँ, जो अभी इस कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं उन लोगों को क्या करना चाहिए, अभी इसको होल्ड करके रखना चाहिए या फिर सेल कर देना चाहिए। अगर गाइस आपके पास, या फिर मैं आप लोग को ग्राफ एनालाइज करके दिखाऊं, उसके बाद मैं आप लोग को लाइव प्रूफ के साथ दिखाऊंगा और बोलूंगा कि आप लोग को अभी तक होल्ड करके रखना चाहिए, पेशेंट बना के रखना चाहिए या फिर आप लोगों को सेल कर देना चाहिए अगर आपका नुकसान पे चल रहा है। तो गाइस मैं आप लोगों को दिखा दूँ 1 डे का, तो 1 डे पे आप लोग मार्केट में अभी फ्लॉप चल रहा है, तो आप लोग देख पाओगे कि 0% का हम लोग को डिग्रोथ पॉइंट देखने को मिल जाएगा, जो कि आप लोग देखोगे तो यहाँ पर कुछ पैसा का भी डिफरेंट है, जो कि अप्रोक्स माने तो 0.50 पैसा का INR पे देखें तो 0.50 पैसा का हम लोग को थोड़ा सा उतार चढ़ाव देखने को मिला है आज के इस टाइम पे। तो मतलब टोटली कहे तो अभी भी इस कंपनी का अभी भी बताए तो अभी टाइम के इसी टाइम के हम लोग टुडे पे देखें तो अभी भी नंबर बहुत ही फ्लॉप है, उतना ज़्यादा हम लोग को इंक्रीज पॉइंट देखने को नहीं मिला है। और उसी के साथ हम लोग को लोअर सर्किट अभी भी इस कंपनी का देखने को मिल रहा है टुडे पे, ठीक है। सो इस पे हम लोग पोटेंशियल की बात करें तो गाइस अभी अगर आप लोग देखेंगे इसका 6 मंथ का, तो 6 मंथ पे हम लोग को जो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर गिरावट देखने को मिली थी, लेकिन मैं जैसे कि बताया कि इस पे पोटेंशियल बहुत ही ज़्यादा है, तो यहाँ पर देख पाओगे कि गिरावट जितना हुई थी उतना ही तेज़ी से यहाँ पर हम लोग को तेज़ी भी देखने को मिली है, जो कि यहाँ पर हम लोग को -0.40% को हम लोग को गिरावट देखने को मिल रहा है। हालांकि यहाँ पर अगर आप लोग देखेंगे इसको एनालाइज करोगे तो यहाँ पर हम लोग को अगर थोड़ा सा भी यहाँ पर इंक्रीज पॉइंट देखने को मिल जाता है इसके मुकाबले, तो हम लोग को यहाँ पर -0 पॉइंट के वजह से हम लोग को इसके अलावा हम लोग को क्या दिखा था, यहाँ पर इंक्रीज पॉइंट के साथ हम लोग को 0.01% का हम लोग को इंक्रीज दिखा था। बट ऐसा नहीं है, यहाँ पर इंक्रीज पॉइंट हम लोग को लो दिखा रहा है, क्योंकि यहाँ पर उतना ज़्यादा हाई जंप नहीं किया है, क्योंकि जितना ज़्यादा यहाँ पर हम लोग को गिरावट देखनी है, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ आप लोग को एनालाइज करना है। अब गाइस मैं आप लोग को बता दूं कि यहाँ पर कितना ज़्यादा का यहाँ पर नुकसान हुआ है, कितना ज़्यादा का यहाँ पर जो है प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। अब गाइस देखिए गाइस यहाँ पर जो लोग पहले हम लोग दिखा दूं यहाँ पर 1 TD का यानी 1 ईयर का, सो यहाँ पर आप लोग देख पाओगे कि अभी के टाइम पे जो लोग इसको पहले बाय किए होंगे इस समय पे, तो काफ़ी लोग इस पे सेल यहाँ पर के बाय करके यहाँ पर काफ़ी लोग सेल कर दिए, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी लोगों यहाँ पर प्रॉफिट इवन हो चुका था। तो यहाँ पर क्या किया कि काफ़ी लोगों ने यहाँ पर सेल कर दिया, इससे क्या हो गया कि मार्केट थोड़ा सा फ्लॉप हो गया, इसी वजह से यहाँ पर हम लोग को डाउन सर्किट देखने को मिल चुका है, ठीक है। अब जब डाउन सर्किट हम लोग को ओवरली देखने को मिल जाता है बेसिकली, तो वहाँ पर हम लोग को क्या होता है कि हम लोग को वहाँ पर प्रॉफिट मार्जिन भी बहुत ही तेज़ी से नहीं देखने को मिलती है, ठीक है। सो मैं आप लोग को कह दूं कि अभी के टाइम पे अगर आप लोग एनालाइज करोगे गाइस, अभी के टाइम पे इसका मार्केट कैप्चर की बात करें तो मार्केट कैप्चर इसका 32.28,000 करोड़, जिसका अगर आप लोग देखेंगे इंडियन करेंसी पे तो यहाँ पर आप लोग को बहुत ही ज़्यादा है, मतलब 32,000 करोड़, जो कि मतलब बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है। अब गाइस मैं इसका हाई जंप और लो जंप देख लें टुडे पे, कि ओपन हुआ था यहाँ पर 24.70 रुपये पे और यहाँ पर हाई गया था 24.85 पे, और हम लोग को लो देखने को मिला था 24.60 पे। तो ऑब्वियसली देखें तो यहाँ पर हम लोगों को कुछ पैसों का फ़र्क है, उतना ज़्यादा डिफरेंट देखने को नहीं मिलता है। अगर हम लोग यहाँ पर 6 मंथ की देखें तो 6 मंथ पे भी आप लोग को उतना ही देखने को मिलता है जितना यहाँ पर आप लोग को इन्हों देखने को मिलता है। तो ये जो IPO चालू हुआ था कुछ अभी के टाइम पे हम लोग बताएं, तो यहाँ पर देख पाओगे कि ये जो IPO चालू हुआ था आप लोग यहाँ पर देख पाओगे 29 जनवरी को ही, तो अभी न्यू इसका प्राइस प्रेडिक्शन हम लोग कर रहे हैं। तो आप लोग को बता दूं कि अभी जो है लॉकडाउन की वजह से इंडियन रेलवे काफ़ी सारे फ्लॉप हो चुके हैं, तो इस वजह से हम लोग को उतना ज़्यादा ग्रोथ देखने को नहीं मिल रहा है, थोड़ा सा हम लोग को डीग्रोथ देखने को मिल रहा है। बट जैसे कि मैंने बताया कि ये सारे जितना भी शेयर्स हैं, जितना भी मैंने शेयर्स के बारे में बताया, जिस भी कंपनी के बारे में, वो उन सारी कंपनी जो है फ्यूचर में जाकर आप लोग को अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है, मैंने एनालाइज किया था एक एक कंपनी पर, ठीक है। तो इसी कंपनी का हम लोग अलग से इसका एनालाइज करें तो मैं आप लोग को बता दूँ इस कंपनी का भी पोटेंशियल बहुत ही अच्छा है, क्योंकि इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन है जो कि गवर्नमेंट के अंडर पे होता है, तो हम लोग NSE का देख रहे हैं, ठीक है। तो IRFC जो कि इसका पोटेंशियल की बात करें तो काफ़ी सही है। तो यहीं पर आप लोग बात करें फ्यूचर के लिए, तो फ्यूचर के लिए आपके लिए ये बेस्ट ऑफ बेस्ट रहेगा, मैं बता दूं, क्योंकि अभी इसका IPO चालू है जनवरी को, तो ये धीरे धीरे अच्छी खासी हम लोग को बाद में जाकर रिटर्न दे सकता है, ठीक है। अगर हम लोग बात करें टुडे पे आप लोग को कोई भी इंक्रीज पॉइंट या फिर डीग्रोथ पॉइंट देखने को नहीं मिला है, बट मैं आप लोग को जैसे कि बताया कि अभी के टाइम पे इसका
पोटेंशियल की बात करूँ तो बहुत ही अच्छा है। अभी लोअर सर्किट बहुत ही कम चल रहा है, लेकिन चल रहा है, लेकिन जैसे कि मैंने बताया कि इसका फ्यूचर में जाकर आप लोग को अच्छा खासा इंक्रीज पॉइंट देखने को मिल जाएगा। जैसे कि मैंने 6 मंथ के एनालाइज़ किया, तो 6 मंथ पे आप लोग जैसे कि देख पाओगे 2021 पे यहाँ पर कितना ज़्यादा गिरावट हम लोग को देखने को मिली है। जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पर कितना ज़्यादा यहाँ पर बायर जो था अभी सेल कर दिए थे, इसलिए बायर कम हो चुका है, इसीलिए यहाँ पर हम लोग को सेलर ज़्यादा देखने को मिल गया है। इसी वजह से हम लोग को क्या हुआ कि यहाँ पर डाउन सर्किट हम लोग को ज़्यादा देखने को मिल गया है इस पॉइंट पर। इसी वजह से यहाँ पर क्या हुआ कि काफ़ी लोगों का प्रॉफिट मार्जिन बहुत ही कम देखने को मिल गया था। तो यहीं पर हम लोग बात करें कि जिन लोगों का अभी नुकसान पे चल रहा है वो लोग क्या करेगा। तो देखिए गाइस, मेरे हिसाब से बता दूं यहाँ पर, देखिए गाइस, जब IPO चालू हुआ था तो काफ़ी लोगों ने यहाँ पर क्या किया कि इस समय पे इसी प्राइस पे काफ़ी लोगों ने क्या किया, बाय किया था, ठीक है। तो बाय करने से क्या हुआ कि काफ़ी लोगों को अप डाउन देखने को मिला, तो काफ़ी लोग क्या किया कि इसी पॉइंट पे जो है सेल कर दिया। तो जब सेल कर दिया तो यहाँ पर जो लोग बाय किए होंगे टॉप पे, तो काफ़ी लोगों को अभी के टाइम पे बताए तो उन लोगों को अभी भी प्रॉफिट इन्होंने नहीं देखने को मिला है। तो देखिएगा इस पॉइंट पे जो लोग बाय किए होंगे उसी लोगों को अभी नुकसान पे चल रहा है। तो उन लोग अभी क्या करेंगे गाइस, मैं बता दूं, उन लोगों को अभी डरने की कोई बात नहीं है। आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर पेशेंस बना कर रखना है, आप लोगों को वेट करना है अप्रॉक्स 1 से 2 ईयर, क्योंकि अभी इसका मार्केट कुछ ही दिन पे अभी चालू हुआ था IPO। तो आप लोगों को अप्रॉक्स 1 से 2 ईयर आप लोगों को होल्ड करके रखना है। तो आपको ऑफकोर्स ये कंपनी अच्छा खासा रिटर्न्स देगा, गवर्नमेंट के अंडर पे है, पोटेंशियल बहुत ही अच्छा है, आगे चलकर फ्यूचर में अच्छा खासा रिटर्न्स दे सकता है। देखिएगा इसमें बता दूँ, इसका प्राइस देखेंगे तो अप्रॉक्स 100 रुपये से भी ज़्यादा टपक जाएगा, ठीक है, बहुत ही लॉन्ग जंप मारेगा, ठीक है, मैं बता दे रहा हूँ, आप लोग लोड कर लीजिएगा, ठीक है, अप्रॉक्स 1 से 2 ईयर के अंदर ही, ठीक है, ये आप लोग समझ लीजिए कि यह पर आप लोग को अच्छा खासा रिटर्न्स मिल सकता है फ्यूचर में जाकर। सो इसके लिए आप लोग दबा के एक लाइक जरूर से इस वीडियो को ठोक दीजिए, क्योंकि काफ़ी लोग यहाँ पर जो है अच्छा खासा पेमेंट अभी भी प्रॉफिट हो रहा है शॉर्ट टाइम के लिए, जो लोग अभी इन्वेस्ट कर रहे हैं। सो यहाँ पर देख पाओगे कितना ज़्यादा यहाँ पर इन्वेस्ट चल रहा है, जो कि शॉर्ट टाइम के लिए काफ़ी लोग यहाँ पर प्रॉफिट कमा रहे हैं, ठीक है। और गाइस मैं आप लोग को और एक बात बता दूं कि यहाँ पर अगर आप लोग स्क्रॉल करेंगे तो इसका और भी शेयर जैसे कि मैंने बताया कि अभी चल रहा है, जहाँ पर आप लोग देख पाओगे, देखिए गाइस, जैसे कि मैंने इसका वोडाफोन आइडिया LTT का भी मैंने प्राइस प्रेडिक्शन किया था, इसका भी प्राइस बहुत ही लोएस्ट प्राइस पर चल रहा था, लेकिन अगर आप लोग अभी की नोटिस करेंगे तो अभी आप लोग देख पाएंगे कितना भी हाई जंप चल रहा है। तो यहाँ पर देखेंगे गाइस, अभी के टाइम पे अगर आप लोग नोटिस करेंगे तो अभी के टाइम पे वोडाफोन आइडिया LTT का कितना ज़्यादा हाई जंप चल रहा है, उसी के साथ इसका इंक्रीज पॉइंट जो कि 11.52% इंक्रीज देखने को मिल रहा है, जो कि जबकि मैंने इसको एनालाइज किया था तब इसका प्राइस जो है बहुत ही लोएस्ट प्राइस था। तो उस पर मैंने कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट के ऊपर डिस्कस किया था, अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे होंगे तो आप लोग जाकर वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा, काफ़ी सारे नॉलेज है, आप लोग वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। अब गाइस मैं बता दूं, अभी BSE सेंसेक्स पे भी आप लोग देखेंगे तो 0.43% का ग्रोथ देखने को मिला है। तो ऑफकोर्स बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने नया कुछ सोचा है, यहाँ पर आप लोगों को अच्छा खासा हर एक कंपनी पे अच्छा खासा प्रॉफिट चल रहा है, तो आप लोगों के लिए बेस्ट ऑफ बेस्ट मौका होगा। अभी जो कंपनी पे आप लोग प्रॉफिट देखने को नहीं मिल रहा था, उसी कंपनी पे आप लोगों को अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिल जाएगा, चाहे तो सेल कर दीजिए, बाद में जाकर लॉन्ग टाइम के लिए यहाँ पर एंट्री ले सकते हैं, ठीक है। अब गाइस मैं आप लोग को दिखा दूँ, स्क्रॉल करते हैं यहाँ पर, इसका देख सकते हैं यहाँ पर मैं जैसे कि दिखा दूँ। अब गाइस हम लोग बात करते हैं रेवेन्यू की, तो रेवेन्यू यहाँ पर देख पाओगे दिसंबर 2020 को यहाँ पर इसका अपडेट है, जो कि रेवेन्यू देख पाएंगे 1.04 करोड़ और यहाँ पर 15.43% का इंक्रीज़ देखने को मिल रहा है। नेट इनकम की बात करो तो नेट इनकम आप लोगों को 1.05 करोड़ आप लोगों को देखने को मिल रहा है, जहाँ पर हम लोग को 15% जो है तेज़ी देखने को मिल रहा है। और इसके सामने अगर बात करें यहाँ पर नेट प्रॉफिट मार्जिन की, तो नेट प्रॉफिट मार्जिन भी आप लोग को देखने को मिल जाएगा, जो कि 100.32%, जो कि हम लोग को 0.02% का डीग्रोथ देखने को मिल रहा है, जो कि काफ़ी हद तक कम है, ठीक है। इस पे आप लोग को ज़्यादा कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, यहाँ पर सिर्फ आप लोग को मेन ऑब्जेक्ट के ऊपर डिस्कस कर दिया है। अब गाइस मैं आप लोग को बता दूं कि अगर आप लोग यहाँ पे अभी के टाइम पर अगर आप लोग देखेंगे यहाँ पर 1 डे की और 5 डेज का, तो 5 डेज का हम लोग देख लेते हैं। तो 5 डेज पर अगर आप लोग देखेंगे तो ओवरऑल यहाँ पर अच्छा खासा पंप किया था, लेकिन यहाँ पर काफ़ी लोगों ने क्या किया, प्रॉफिट निकाल लिया शॉर्ट टाइम के लिए। यहाँ पर देखिए गाइस कितना ज़्यादा हाई जंप किया था शॉर्ट टाइम के लिए, काफ़ी लोगों ने अच्छा खासा प्रॉफिट कमा लिया है। अब गाइस यहाँ पर देख पाओगे कि कितना तेज़ी से यहाँ पर जो है हम लोग को डाउन सर्किट भी देखने को मिल रहा है, तो कितना ज़्यादा यहाँ पर डाउन सर्किट पे चल रहा है। तो आप लोगों को मैं बता दूँ, इस पॉइंट पे आप लोग अगर शॉर्ट टाइम के लिए उन्हें प्रॉफिट कमाना चाहते हैं तो आपके लिए बेस्ट ऑफ बेस्ट मौका होगा, क्योंकि अभी अगर आप लोग देखेंगे यहाँ पर -0.80% का हम लोग को डीग्रोथ देखने को मिल रहा है, जो कि ज़्यादा कोई फर्क नहीं है। आप लोग को बाद में जाकर ये इंक्रीज पे भी चला सकता है, ठीक है, इंक्रीज पॉइंट पे भी आप लोग देखने को मिल सकता है। हालांकि अगर हम लोग बात करें ओवरऑल यहाँ पर देख पाओगे 6 मंथ की, तो 6 मंथ पे हम लोग को जो है यहाँ पर डीग्रोथ पॉइंट देखने को मिल रहा है, क्योंकि इसका एक
की कारण है जो कि यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग को अप देखने को नहीं मिला है। जो यहाँ पर इसका अगर हम लोग कंपेयर करें यहाँ पर कितना ज़्यादा अप था, बहुत ही ज़्यादा अप था, बट अभी के टाइम पे जो डाउन पे गया है यहाँ पर हम लोग को रिटर्न्स अच्छा खासा नहीं दिया है। इसी वजह से हम लोग को 0.40% का डीग्रोथ पॉइंट हम लोग को देखने को मिल रहा है, जो कि काफ़ी ज़्यादा आप लोग को कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा लेकिन थोड़ा सा पड़ सकता है, ठीक है। तो उसको आप लोग शॉर्ट टाइम के लिए यू नो टिक मार्क कर सकते हैं, इसको भी आप लोग चाहे तो लॉन्ग टाइम के लिए भी जब मार्केट डाउन होगा तो जब भी आपको एंट्री लेने का मौका मिल जाएगा सब आप लोग जो यहाँ पर इसको चाहे तो इस पर आप लोग लॉन्ग टाइम के लिए एंट्री ले सकते हैं। और जो लोग पहले इसको बाय किए होंगे टॉप पे, तो उन लोगों को क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ होल्ड करके रखना है, बाद में जाकर आपको अच्छा खासा रिटर्न देगा। और जो लोग नए यूज़र देख रहे हैं जो अभी तक ज्वाइन नहीं हुए, तो उन लोगों को मैं कह सकता हूँ कि मेरे जितना भी इन्फॉर्मेशन दिया है तो आप लोग चाहे तो इसको भी कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। इस पर कोई ज़्यादा बुरा इफेक्ट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ -0.40% का डीग्रोथ, जो कि हम लोग को वन डे पे भी हम लोग को कुछ ज़्यादा अपडेट देखने को नहीं मिल रहा है। तो मैं आप लोगों को कह दूँ कि अभी शॉर्ट टाइम के लिए यहाँ पर काफ़ी लोग जो एंट्री ले रहे हैं, ठीक है। सो ऐसा कोई फ़र्क नहीं है, आप लोग चाहे तो यहाँ पर देख सकते हैं और एनालाइज करके यहाँ पर इन्वेस्ट यू नो आप अपने हिसाब से यहाँ पर मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा। आज के इस वीडियो से इतना ही गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अब तक ले जाएँ वंदे मातरम, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय।